आज हम बात करेंगे यूएस की। बहुत सारे लोगों की पहली प्रेफरेंस होती है, जब बहुत अच्छी बात होती है, काफी फ्लेक्सिबल और कस्टमाइजेबल। फिर जो ट्यूशन फीस होती है ना कॉलेज खाली, अगर आप ब्रांड के लिए जा रहे हो, मतलब कॉलेज के ब्रांड के लिए जा रहे हो, यूएस के लिविंग एक्सपेंसेस है ना, तो स्कॉलरशिप एक अच्छा तरीका है अपने स्टडीज से। आप 12 महीने काम कर सकते हो आफ्टर ग्रेजुएट। सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए फेमस है ना, वो है उनका जॉब। तो टेक्स सेक्टर है, टेक्स सेक्टर बहुत अच्छा है वहाँ का, फाइनेंस सेक्टर तो पार्ट टाइम का ये रहता है। और जो लिंक डाल रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। और हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 30th August और आज की मेरी फ्लाइट है वापस की। आज की मतलब आज रात को निकलूंगा, कल की फ्लाइट है। आज की वीडियो में बना रहा हूँ अपना स्टडी अप्रोच सीरीज के ऊपर, जो मेरी चल रही थी। आपने ऑस्ट्रेलिया वाली वीडियो देखी होगी, जर्मनी वाली वीडियो देखी होगी। तो आज मैं बना रहा हूँ वीडियो स्टडी अब्रॉड इन यूएस। आप आयरलैंड का तो सब मैं बता ही चुका हूँ क्या होता है कैसे होता है, वो जर्मनी वाली वीडियो में भी मिल जाएगा और ऑस्ट्रेलिया वाली वीडियो में भी मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे यूएस की, तो खाली यूएस की बात करने वाला हूँ मैं इसमें। यूएस बहुत सारे लोगों की पहली प्रेफरेंस होती है जब स्टडी अब्रॉड की बात आती है, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, पहले यही सोचते हैं सबसे ज्यादा। उसके बाद देखते हैं बाकी कौन कौन से ऑप्शंस हैं उनके पास। तो यूएस के जो मेन कॉलेजेस हैं उनका नाम तो आपने सुना ही होगा, MIT हो गया, हार्वर्ड हो गया, कर्नेल हो गया, मतलब बहुत सारे हैं, उनका तो कोई लिस्ट ही नहीं है। NYU हो गया, जो यूएस में कॉलेजेस का तो कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं और बहुत सारे मीडियोकर कॉलेजेस भी हैं, और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको खाली वहां पहुंचने के बाद पढ़ा देंगे और डिग्री दे देंगे, बस हैं वो नाम के कॉलेजेस हैं। और इसमें जो कोर्सेज होते हैं ना यूएस में, वो बहुत अच्छी बात होती है, काफी फ्लेक्सिबल और कस्टमाइजेबल होते हैं कोर्सेज, तो अपने हिसाब से आप उन्हें कस्टमाइज कर सकते हो। अनलाइक बाकी जगह जहाँ पे मॉड्यूल्स पहले से सिलेक्टेड होती हैं, आपको वही मॉड्यूल्स करनी पड़ेंगी, यूएस में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं अलग अलग चीजें साथ में करने के लिए। मेजर माइनर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, इनकी रैंकिंग तो बहुत अच्छे से लेकर बहुत खराब तक हर तरीके का कॉलेज मिल जाएगा आपको यूएस में। तो कॉलेजेस के तो बहुत ऑप्शंस हैं। फिर जो ट्यूशन फीस होती है ना इन कॉलेजेस की, वो बहुत ज्यादा वेरी करती है, क्योंकि वही एक बहुत अच्छा कॉलेज है, मतलब नॉट सो गुड कॉलेज है, उससे मैं बेकार तो नहीं कह रहा, नॉट सो गुड कॉलेज। तो ट्यूशन फी जो वेरी करती है वो 20,000 से $70,000 एनुअल इतना वेरी करती है। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 20,000 में भी आपको मिल सकता है एनुअल में, और 70,000 में भी मिल सकता है। तो वो भी आपको देखना पड़ता है कि आपकी बजट के हिसाब से कौन सा कॉलेज सही बैठ रहा है, कौन सा ठीक कॉलेज है। खाली अगर आप ब्रांड के लिए जा रहे हो, मतलब कॉलेज के ब्रांड के लिए जा रहे हो, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको यूएस का नाम लगाना है, तो आप सस्ते में भी निमट सकते हो। इसी के साथ साथ जो यूएस के लिविंग एक्सपेंसेस है ना, लिविंग एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं वहाँ पे, वो ऑन एवरेज 800 से $1,500 के आसपास आपका आएंगे, आपके एक्सपेंसेस वगैरह, मंथली एक्सपेंसेस। और साथ ही में जैसे मेरा एक दोस्त है, वो स्टूडेंट अकोमोडेशन में रह रहा है, कहाँ पे था, न्यूयॉर्क में है वो शायद से, न्यूयॉर्क में ही है। तो उसका वीकली रेंट जो है वो है $600 वीकली, और उसका रूम भी इतना कुछ बड़ा है नहीं। तो अगर आप मेन जैसे पॉश इलाकों में रह रहे हो, तो आपका रेंट क्रेजी एक्सपेंसिव हो सकता है यूएस में। अगर थोड़ा दूर जाओगे तो वो कम होता जाएगा। तो सब यही करते हैं कि पहले जाते हैं, जिसको आइडिया नहीं होता वो सिटी के अंदर देखता है, अंधे पैसे देता है, उसके बाद थोड़ा दूर देखना स्टार्ट करता है, सेफ्टी वगैरह इशू उसके हिसाब से, क्योंकि सेफ्टी भी यूएस में थोड़ा इशू रहता है, इतना नहीं रहता, लेकिन हाँ सेफ्टी सुनने में आता है कि थोड़ा इशू है यूएस में। ये हो गए लिविंग एक्सपेंसेस। फिर ट्यूशन के साथ साथ जो एक अच्छी बात है ना यूएस में, वो है कि वहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। तो स्कॉलरशिप एक अच्छा तरीका है अपने स्टडीज यूएस में करने के लिए। अगर आपको ठीक ठाक स्कॉलरशिप मिल रही है तो यूएस आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ये जो स्कॉलर बहुत सारी होने के साथ साथ, तब भी इफ एंड बट आता है कि बहुत कॉम्पिटिटिव होती हैं ये सारी स्कॉलरशिप्स, क्योंकि इंडिया नहीं, वर्ल्ड के बहुत सारे स्टूडेंट्स जितने होते हैं उन सबका एक होता है कि हमें यूएस जाकर पढ़ाई करनी है। तो खाली इंडिया के नहीं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोग जगह के लोग अप्लाई कर रहे होते हैं यूएस में इन स्कॉलरशिप्स के लिए, तो वो रहता है वहाँ पे। फिर पोस्ट स्टडी जब आपकी यूएस में पढ़ाई खत्म हो जाती है, तो आपको एक ओपीटी मिल जाता है। ओपीटी होता है आपका ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, से आप 12 महीने काम कर सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन, जिसे आप एक्सटेंड कर सकते हो 36 मंथ्स के लिए अगर आप स्टेम बैकग्राउंड से हो। तो 12 महीने 36 मंथ्स ये अपना सही रहता है, मतलब काम वाम करने के लिए। और साथ में इसकी जो बाद में H1B वीजा होता है ना, वो यूएस में लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें लॉटरी सिस्टम होता है। ये तो बहुत ज्यादा लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अपना लॉटरी सिस्टम के हिसाब से यूएस में क्या चल रहा है, आपको H1B वीजा मिल रहा है नहीं मिल रहा। ये लेना यूएस में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है लोगों को नहीं मिलता,
मेरे खुद के दोस्तों के पास H1B वीजा लगा हुआ है, लाइक मेरे से बड़े हैं, वो स्कूल में सीनियर वीनियर थे ऑब्वियसली, और मेरे दोस्त के भाई बहन वगैरह जो रहते हैं उनके पास है वीजा। लेकिन जिससे भी मैंने वीडियो बनाने से पहले बात करी है ना कि क्या सीन है अपना वीजा वगैरह का, वो कहते हैं वर्क वीजा लेना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, और जो करंट लॉज वगैरह भी US गवर्नमेंट बना रही है उसमें भी इंडियंस के लिए बहुत दिक्कत होती जा रही है H1B वीजा के लिए। लेकिन आगे आऊंगा, लेकिन कल्चरली अगर देखा जाए इंडिया के लिए तो US बहुत सही है, बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी है, हर स्टेट की डिफरेंट कम्युनिटी है, इसका तो आपको इतना कल्चरल शॉक लगेगा नहीं वहां पे जाके, क्योंकि इंडियंस आपको US में हर जगह दिख जाएंगे। आप साउथ से हो साउथ इंडियंस बहुत होंगे, आप नॉर्थ से हो नॉर्थ से बहुत इंडियंस होंगे, आप ईस्ट से हो ईस्ट इंडिया से हो तो वहां के लोग आपको बहुत दिखेंगे, अगर आप वेस्ट इंडिया से हो तो आपको वेस्ट इंडियंस बहुत सारे मिल जाएंगे वेस्ट इंडिया से जो लोग होते हैं वो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे गुजरात वगैरह साइड, राजस्थान वगैरह साइड। तो इंडियन कम्युनिटी तो बहुत अच्छी है US में, सब यही कहते हैं कि हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, हर चीज सेलिब्रेट करते हैं, लिटरली हर चीज सेलिब्रेट करते हैं, आपने वीडियोज वगैरह भी देखी होंगी US की, तो वो भी सही रहता है वहाँ पे। और जो US की कैंपस लाइफ है वो तो बहुत अच्छी मानी जाती है, आपने जैसा मूवीज वगैरह में देखा होगा 80% वैसी ही होती हैं, जो उनके क्लब्स वगैरह होते हैं उनकी पार्टीज वगैरह होती हैं इसके लिए बहुत फेमस होते हैं। अभी मेरे दो दोस्त हैं वो एक्सचेंज पे गए हुए हैं, उससे पहले हर साल मतलब ट्रिनिटी से एक्सचेंज पे लोग जाते रहते हैं, तो मैं उनसे भी बात कर रहा था, कह रहा था प्राडी भाई बहुत क्रेजी पार्टी सीन्स होते हैं यहाँ पे, सब यही कहते हैं कि बहुत बढ़िया स्टूडेंट एनवायरमेंट है, एग्जाम्स वगैरह भी मतलब मुश्किल होते हैं लेकिन इतना मुश्किल नहीं होते वहाँ पे। फिर US मार्केट जो सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए फेमस है ना वो है उनका जॉब्स। अभी तक जॉब्स US में कम थी, लोगों की जॉब नहीं लग रही थी, लास्ट ईयर इस साल भी काफी लोगों की कम लग रही थी, लेकिन अभी जैसे जहां मैं रहता हूँ आयरलैंड में वहां पे इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गया, साथ में US मार्केट भी काफी इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे पहले बीच में चल रहा था ना कि US में जॉब्स नहीं लग रही, अब धीरे धीरे लगना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मैंने अपने 3 दोस्तों से बात करी थी, अभी वो मास्टर्स कर ही रहे हैं वहां पे, तो उनमें से 2 के पास ना बहुत अच्छी जॉब का ऑफर आ चुका है, और एक भी इंटरव्यू वगैरह दे रहा है तो कह रहा है इंटरव्यूज वगैरह आ रहे हैं, उस पर इतनी दिक्कत नहीं हो रही है उसको, तो जॉब्स वगैरह का सही रहता है। तो टेक सेक्टर है, टेक सेक्टर बहुत अच्छा है वहाँ का, फाइनेंस सेक्टर बहुत अच्छा है, हेल्थ केयर सेक्टर बहुत अच्छा है, इंजीनियरिंग सेक्टर बहुत अच्छा है, तो इनके लिए तो फेमस है, सिलिकॉन वैली तो आपने सुना ही होगा क्या है। तो जॉब्स वगैरह का US में ढूंढना मुश्किल होता है लेकिन लग जाती है, इसमें बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे जॉब्स के लिए, लेकिन वही अगर आपने इंटर्नशिप कर ली वहाँ पे अच्छी खासी तो मोस्टली कन्वर्ट हो जाती हैं। एक और चीज आती है पार्ट टाइम का, US में पार्ट टाइम का क्या रहता है, पार्ट टाइम का जो मिनिमम वेज है वहां पे वो है $7.25 पर आवर, और आप F1 वीजा जो आपका स्टूडेंट वीजा होता है उस पर आप 20 आवर्स अ वीक ऑन कैंपस काम कर सकते हो, ऑन कैंपस। अगर आपको ऑफ कैंपस जाना है तो आपको CPT के लिए करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या फिर OPT ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन जब छुट्टियां होती है तो उसमें अपना फुल टाइम काम कर सकते हो, उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती, तो पार्ट टाइम का ये रहता है। और ये जो 7.25 मैंने बताया ना आपको, ये तो मिनिमम है, इसके ऊपर ही मिलता है इतना, तो जैसे आयरलैंड में मैं रहता हूँ तो 12.7 चल रहा है ना, तो 12.7 ही मिलेगा, लेकिन इसमें अगर 7.5 है तो बहुत लोग 10 भी देते हैं, 11 भी देते हैं, 15 तक मिल जाता है US में पार्ट टाइम में। बाकी तो US तो सबकी पहली प्रेफरेंस आती है मोस्टली लोगों की, कॉलेजेस के बहुत सारे ऑप्शंस हैं वहाँ पे, अच्छा है अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप US को सबसे पहले एक्सप्लोर करना, बाकी अपने ऑप्शंस बाद में देखना, क्योंकि काफी लोगों का होता है कि US एक्सपेंसिव साइड पे है। हाँ, US एक्सपेंसिव साइड पे है, लेकिन उनकी जो सैलरी वगैरह होती है, जैसे टेक सेक्टर में उनकी एवरेज सैलरी हो गई वो होती है $110,000 से लेकर $130,000 तक एवरेज हो गई, फिर फाइनेंस में $70,000 से लेकर $90,000 तक एवरेज हो गई, तो जितने आपके पैसे लग रहे हैं उनकी सैलरी आपकी लगती है अच्छी। बाकी आपको US का कोई भी डाउट हो ना तो मैं नीचे लिंक डाल रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, फ्री कंसल्टेशन लिंक, आप इस पे जाओ, इस लिंक पे एक फॉर्म खुलेगा, फॉर्म फिल करो, अपनी रिक्वायरमेंट्स वगैरह डालो कि मेरे को US पढ़ने जाना है, कोई कॉलेज वगैरह सजेस्ट करो, अगर आपके खुद के रिसर्च के हिसाब से कोई कॉलेज पसंद आया आपको, आपने खुद कुछ कॉलेज शॉर्टलिस्ट करे हैं तो फिर आप उन्हें बताओ कि मैं इन कॉलेज में जाना चाहता हूँ, वो आपको हेल्प करेंगे उसमें, या फिर आप अपने मार्क्स वगैरह बताओ मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे को कौन सी जगह सही रहेगी, कौन से कॉलेजेस मेरे को मिल सकते हैं, उसमें आपको पूरी हेल्प करेंगे वो लोग, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपको कोई पैसा नहीं देना है, आपका खाली आपको एक फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के वो सामने से कॉन्टैक्ट करेंगे और वो आपकी हर चीज से, आपके कॉलेज सिलेक्शन से लेकर अपना वीजा अप्लाई करना, आपको कॉलेज एप्लीकेशन वगैरह हर चीज में पूरी हेल्प करेंगे, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, आपको खाली बताना है कि मैं इस कॉलेज में जाना चाहता हूँ, आप रिक्वायरमेंट्स बता दो, वो आपसे आपके पूछ लेंगे कि आप क्या क्या कहाँ जाना है, कैसे करना है, मार्क्स वगैरह, तो बाकी सारी चीजें आपकी एप्लीकेशन बनाना, हर चीज SOP वगैरह ड्राफ्ट करवाना, सब कुछ वो करवाएंगे, आपको कुछ काम नहीं करना,
तो ये है मेरा रिव्यू यूएस के ऊपर। जॉब मार्केट सही लगता है मेरे को यूएस का। हर किसी को होता है कि उन्हें एंड में यूएस ही जाना है। मेरा ऐसा अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई प्लान है नहीं। बाकी कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, studentinireland.com पे पूछ सकते हो, studentinireland। अभी मैंने थोड़े से अप्लाई नहीं करे क्योंकि मेरी खुद की फ्लाइट है, मेरा बर्थडे वगैरह आ गया था बीच में, तो मैं हल्का सा बिजी हो गया था। लेकिन अब मैं वापस जाते ही बिल्कुल नॉर्मल अपने रिप्लाईज फास्ट पेस पे करने लगूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी डाउट हो तो studentinireland.com, नीचे कमेंट सेक्शन, studentinireland insta। ठीक है, बाय।